गुजरात में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शादी होती तो हो जाती भाई बहन की शादी, नहीं समझे ना, तो हम आपको समझाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सूरत में दो परिवार के बीच विवाह से पहले की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान फरवरी में शादी के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद लोग तरह तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि शादी से बिल्कुल पहले ये जोड़ा कैसे भाई बहन के रिश्ते में बंध गया। जानकर हैरानी होगी कि इस रिश्ते की वजह से ही इन दोनों की शादी तो रुक ही गई, साथ ही साथ विवाद भी खड़ा हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं विस्तार से। मिल रही जानकारी के मुताबिक सूरत के कतारगाम इलाके में रहने वाले दुल्हे की शादी नवसारी जिला में रहने वाली एक युवती के साथ होने वाली थी। ये रिश्ता आगे बढ़ता उससे पहले सब डामाडोल हो गया। दुल्हे का पिता और दुल्हन की माँ अचानक से लापता हो गए। परिवार के मुताबिक दुल्हे के पिता और दुल्हन की माँ एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और यह भी आशंका थी कि एक दूसरे के प्यार में पड़कर उन्होंने शादी कर ली। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार लापता होने से पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते थे और जवानी के दिनों में एक दूसरे से शादी करना भी चाहते थे। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस दोनों का पता नहीं लगा पाई है, तो दोनों परिवारों ने शादी का रिश्ता तोड़ दिया है। अब ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। अब इन सबके बीच विडंबना ये है कि आखिरकार अब दुल्हा दुल्हन करेंगे क्या। वीडियो जर्नलिस्ट रुजल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।